और अब आपको सीधे दिल्ली के भारत मंडपम लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सम्मानित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुनिए, तो ध्यान में आता है यार, मरने से ज्यादा तो पढ़ना सरल है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है उसने, हार्डली 7-8 मिनट की होगी, लेकिन जब मैंने उसको देखा और वो ये जो आत्महत्या करने का मूड बन जाता है बच्चों का, छोटी सी चीज है लेकिन उसके जिंदगी को एक नई राह दिखा देती है। अब आप भी जानते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम करता हूं, आपको लगता है कई लोगों मजाक उड़ेगा क्या यार के प्राइम मिनिस्टर है क्या बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करता रहता है फालतू समय का। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं कोई सरकारी सर्कुलर नीचे निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता, मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय यानी बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूं तो काम का है, परीक्षा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मैं हर साल रेगुलरली ये कार्यक्रम करता हूं, क्योंकि मेरे मन में यही होता है कि इन बच्चों के साथ मैं कुछ बातें करूं, खुल करके बातें करूं, हो सकता है किसी को एक आध चीज काम आ जाए, उनके मन को छू जाए, उनका हाथ पकड़े, उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनके माँ बाप को लगे, टीचर को लगे। साथियों, ये सारे काम मैं तो रील बनाने के लिए समय नहीं निकाल सकता, तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं, लेकिन आप तो वो भी कर सकते हैं जी। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए? हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। मरना क्या है यार, कूल हॉस्टल में बैठे हैं, ऐ कूल। साथियों, इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं बड़े, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था, और एक क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है
तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो, तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो, ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको तो जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती गई, दुनिया में देश समृद्ध हुए, लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं ने समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत शत प्रतिशत लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के, समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है, लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। 18, 19, 20, 21 साल के देश साथियों, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उसमें बहुत प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दिव्यांगजनों में जो इनहेरेंट ताकत होती है, उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, उसे भी सोशल मीडिया की शक्ति से जोड़ने की जरूरत है। साथियों, एक और विषय है, भारत का इन्फ्लुएंस भारत के बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आज दुनिया में आप में से जो भी परिचित होंगे विश्व के साथ, आज भारत का तिरंगे का बहुत आन बान शान है, भारत के पासपोर्ट की आन बान शान है कि नहीं है? है ना? आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे, तिरंगा झंडा दिखा दिया, काम चल जाता था जी। ये सामर्थ ऐसे ही नहीं आया है दोस्तों, ये सामर्थ ऐसा ही नहीं आया है, इसके पीछे एक मिशन बोर्ड में तपस्या की गई है। दुनिया में आज वातावरण बदला है, लेकिन उसको और अधिक, आज भी दुनिया में कुछ परसेप्शन ऐसे ही है हमारे लिए, हम उसको बदल सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं, मुझे याद है मैं एक बार किसी एक देश में गया था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो परिचय वो, और वो कंप्यूटर इंजीनियर था, उस सरकार में काम करता था, तो मेरी मदद की उसने, 3-4 दिन मेरे साथ था वो, तो परिचय हो गया। तो आखिर में उसने कहा, साहब आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? नहीं साहब, को आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैं कहा नहीं नहीं दोस्त, 3-4 दिन से आप देख रहे हो, बुरा लगने का सवाल नहीं, आप जरूर पूछिए। नहीं नहीं नहीं, रहने दो साहब, नहीं पूछता हूँ। नहीं, मैंने कहा पूछो यार। उसने कहा, साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? ये मुझे पूछा गया सवाल था जी। मैंने कहा, देख दोस्त, हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकतवर थे, तो सांप बाप उनके लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल था। अब मैंने कहा हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, और धीरे 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 करके मैंने कहा वो माउस पे आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा वो माउस से पूरी दुनिया को हिलाते हैं। साथियों, मेरे देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को, मैं समझता हूं हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम हो, हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं।
आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। आप फिक्शन ऑफ सेकंड दुनिया में पहुंच सकते हैं, आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मैं कल श्रीनगर में गया था तो एक नौजवान से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं हैरान हूं, जो वो सिर्फ शहद का काम करता है, मधुमक्खी पालन का काम करता है, और आज ग्लोबली उसने अपनी एक ब्रांड पहुंचा दी है जी, जस्ट डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से। और इसलिए साथियों, आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग विदेशी भाषा को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आते एआई की मदद से काम हो सकता है, कुछ लोग सीख भी सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यूएन लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश जैसे लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, उनकी भाषाओं में हम कुछ करें, हमारी एक अलग पहचान बनेगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हमने लिया है। मैं भी कुछ दिन पहले बिल गेट्स के साथ गप्पे मार रहा था, तो ऐसे ही एआई वगैरह सारे विषयों पर बहुत चर्चा निकली, कभी उसके विषय में जरूर आपको पता चलेगा। लेकिन हमने अभी कल ही एक डिसीजन लिया है, हम एआई मिशन को, और मैं मानता हूं दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या काम करेगा, क्योंकि भारत लीड करेगा, मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर, जिस प्रकार से भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है,